हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताऊंगा कि सेंट पॉल स्कूल का ऑनलाइन टेस्ट बिना ऐप का आप वेबसाइट से कैसे दीजिएगा। तो उसके लिए आप कोई ब्राउजिंग ओपन कर लीजिए। अब मेरे पास ये क्रोम ब्राउजिंग है, तो हम उसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको ये सर्च बार पे सर्च टाइप करना है parentsalarm.com। चलिए हमने टाइप कर लिया, तो आगे हम सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद आपको कुछ नया पेज खुलेगा, जो कि इस तरह का पेज ओपन होगा। तो यहाँ देखिए, दो ऑप्शन मांगता है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड का। तो इसमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है, और आईडी पासवर्ड आपको स्कूल के थ्रू आपको आसानी से मिल जाएगा। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम अपना आईडी डालते हैं, ठीक है। डाल दिए हैं और यहाँ पे अपना पासवर्ड इनपुट करते हैं। पासवर्ड डालने के बाद कुछ नया पेज खुलेगा, जो कि इस तरह का आता है, ठीक है। अब आपको यहाँ से सीधा इस मोड़ का ऑप्शन एक दिख रहा होगा, ई कंटेंट के साइड बगल में। इस मोड़ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट का। ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। अब देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ टेस्ट PT1 इंग्लिश, इसका मतलब है कि आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा। और यहाँ पे जो फुल मार्क्स दिया हुआ है 20 का, मतलब ये 20 मार्क्स का टेस्ट होगा। और इसका देखिए डेट दिया हुआ है 14 अगस्त, और आप में कुछ ये 90 अगस्त से होगा, तो वहाँ पे आपको 90 अगस्त दिखेगा। जैसे यहाँ पे आप स्टार्ट टाइम दिया हुआ है 3 PM से लेके 11 PM तक, तो इसका मतलब है कि आप 3 बजे से लेके 11 बजे तक, आप इस बीच में कभी भी इसको लॉग इन करके टेस्ट दे सकते हैं। नीचे दिया हुआ है टेस्ट ड्यूरेशन का मतलब है वो आपको जब एक बार लॉग इन कर लेते हैं, यहाँ से जो ये ऑप्शन दिख रहा है टेस्ट स्टार्ट टेस्ट का, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका ये टाइम स्टार्ट हो जाता है, और 20 मिनट के बाद आपका ये ऑटो लॉक हो जाएगा। यहाँ पे 20 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है, और 20 मिनट के अंदर ही आपको ये 20 क्वेश्चन को सॉल्व करके सबमिट करना होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए आपको यहाँ स्टार्ट जो टेस्ट दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट टेस्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके साथ में आपको ऑप्शन दिया हुआ है। इस ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के आपको जो आंसर सही लगे उस पर आपको टिक करना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर। तो यहाँ पूछ रहा है कि कितना वोवेल होते हैं, तब जो इसका करेक्ट आंसर है उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इस तरह से टिक करके आपको नीचे आना है। ये 20 क्वेश्चन है, इसको 20 क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको यहाँ पे सबमिट बटन का क्लिक कर देना है। जैसे आप इस सबमिट बटन को क्लिक करते हैं, ये आपका टेस्ट सबमिट हो गया है। आपने यहाँ आपका दिखा रहा है समरी, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 दिखा रहे हैं, और आपने कितना बनाया है, एक क्वेश्चन, मतलब हमने एक क्वेश्चन को ही टिक किया था, इसलिए हम यहाँ अटेम्प्ट पे ये 1 क्वेश्चन दिखा रहा है, ठीक है। तो इसके साथ आपका टेस्ट समाप्त हो गया। और इस यह लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल